वेलकम टू माई SPD ऑनलाइन स्टडीज। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन का पार्ट 2 है। प्रीपोजिशन का पार्ट अगर 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, उस आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन 51। 51 से 50 तक हो चुका है और यहाँ पे है जो 51 से स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, वी वेयर प्रिवेंटेड डैश सीइंग द प्रिजनर, तो इसका जो आंसर, इसके साथ सारे फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इनको सारे आपको रट लेना है। वी वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं, एसवर्ड वाज हैंगिंग डैश माई हेड, एसवर्ड वाज हैंगिंग ओवर माई हेड, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए, सारे प्रीपोजिशन आपको रट लेने हैं क्योंकि ये सारे प्रीपोजिशन है वो जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जो आपके इसमें से एग्जाम में एक दो आए, जो भी जिसके शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए वो आराम से कर लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट अबाउंड्स डैश वाइल्ड एनिमल्स और द लेक अबाउंड्स डैश फिश। इन द फॉरेस्ट अबाउंड्स, अबाउंड्स के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है विथ। द फॉरेस्ट अबाउंड्स विथ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और द लेक अबाउंड्स विथ फिश, सो आंसर ए विल बी राइट। नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नो एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस डैश दिस मैन, एक्वेंटेंस के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है विथ। आई हैव नो एक्वेंटेंस डैश दिस मैन, विथ दिस मैन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 का, ही सक्सीड डैश ऑफ हिज हार्ड वर्क, सॉरी यहाँ पे होगा हार नहीं हार्ड वर्क, ही सक्सीडेड डैश ऑफ हिज हार्ड वर्क, ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, क्योंकि वो सक्सीड हुआ क्यों, क्योंकि वो हार्ड वर्क किया, सो आंसर ए विल बी राइट। देखिए, उसका आप कोई कोई सेंटेंस होता है जिसका आप मीनिंग निकाल कर भी उसका प्रीपोजिशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई प्लेड अ ट्रिक, आई प्लेड अ ट्रिक ऑन हर, आई प्लेड अ ट्रिक ऑन हर, सो आंसर आपका जो होगा वो होगा बी। देखिए, इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको रटना ही पड़ेगा, आपको ये नहीं देखना है कि सीधा हम टिक करवा दे रहे हैं, आपको ये प्रीपोजिशन जो है फिक्स है, आपको रटना पड़ेगा। ही इज ट्रू डैश हिज किंग, ही इज ट्रू टू हिज किंग, ट्रू के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो होता है टू। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, क्या मैं जो प्रीपोजिशन अभी तक जितना पढ़ा हूँ वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दैट ओल्ड हाउस इज बींग ऑफर डैश सेल, देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, द ओल्ड हाउस इज बींग ऑफर डैश सेल इन एट ऑन या फॉर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर, ऑफर के साथ प्रीपोजिशन फॉर आएगा। दैट ओल्ड हाउस इज बींग ऑफर्ड फॉर सेल। नेक्स्ट देखते हैं, आवर पाथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, आवर पाथ इज बीसेट विथ डिफिकल्टीज, यानी हमारे जो पाथ है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो बीसेट के साथ प्रीपोजिशन आता है विथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्वारल डैश देमसेल्व्स, द फोर ब्रदर्स ऑलवेज क्वारल एमोंग देमसेल्व्स, अगर टू रहता है तो बी टू रहता, लेकिन यहाँ पे है फोर, फोर ब्रदर्स के लिए हम लोग जो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो होगा एमोंग। नेक्स्ट देखते हैं, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड हिम डैश हिज ब्रेवमेंट, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आएगा ऑन, कंडोल्स मीन्स शोक जताना होता है, सो आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर जो है, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस, ग्रेटफुल के साथ हम लोग को पता है ये हम लोग एप्लीकेशन वगैरह में भी लिखते थे, दे आर वेरी ग्रेट ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, सो आंसर सी विल बी राइट। ही इल्डेड डैश सुपीरियर फोर्स, ही इल्डेड टू सुपीरियर फोर्स, इल्डेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आएगा आपका टू, सो आंसर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड, डिसएग्री या एग्री के साथ जो अगर पर्सन का बात हो तो विथ होगा, तो हिज फ्रेंड्स डिसएग्री विथ हिम ऑन डैट पॉइंट, सो आंसर ए विल बी राइट।
द एग्जामिनेशन सेल बिगेन डैश फ्राइडे, द एग्जामिनेशन सेल बिगेन फ्रॉम फ्राइडे। देखिए फ्यूचर में जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो फ्रॉम होता है, बाकी प्रेजेंट और प्रेजेंट में और पास्ट में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग हैं आई इंसिस्टेड डैश गोइंग, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग। यहाँ पे ऑन आपका फॉर के जगह पे ऑन होगा या ऑफ के जगह पे ऑन होगा, कहीं भी ऑन लगा दिए, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन होगा, फॉर नहीं, यहाँ पे ऑन होगा, या फ्रॉम के जगह भी ऑन लिख सकते हैं कहीं भी, लेकिन इंसिस्ट के जहाँ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑन। सो आंसर आपका जो होगा वो ऑन हो जाएगा, इसका इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन होगा। यू कैन रियलाई डैश मी टू स्टैंड डैश यू। रियलाई ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, यू कैन रियलाई ऑन मी टू स्टैंड बाई यू, सो आंसर सी विल बी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डेवर्ड डैश टेकिंग द एग्जामिनेशन। डेवर्ड मीन्स होता है मना करना, ही वॉज डेवर्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, वो मतलब एग्जाम देने से मना कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम, ही वॉज डिवियर टेकिंग, देखिए सही है, एग्जामिनेशन का वर्ड सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 69 का, देखिए मुंबई इज फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल, मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, यानी मुंबई जो है टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो फेमस के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, नेहरू वाज फॉन्ड, देखिए ये तो आपको पहले करा भी चुके हैं, नेहरू वाज फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स, फॉन्ड ऑफ मिस शौकीन। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, ही इज नेग्लेक्टेड डैश हिज पेरेंट्स, ही इज नेग्लेक्टेड बाई हिज पेरेंट्स, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ही इज नेग्लेक्टेड बाई हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं ही किल टू बर्ड्स डैश वन स्टोन, ही किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। देखिए ही किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, किल इसका जो प्रीपोजिशन इसमें जो होगा वो होगा विथ, देखिए इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो विथ आता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन विथ आता है, तो ही किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई हैव ईटन नथिंग यस्टरडे, आई हैव ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही लिव्स डैश 45 चर्च स्ट्रीट, ही लिव्स इन 45, लिव्स के साथ प्रीपोजिशन होगा इन, ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट, सो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 5 प्लेयर्स, द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो लड़के हैं जो प्लेयर्स हैं वो दो से अधिक हैं, अगर दो रहता है तो बिटवीन आता है, एमोंग द 5 प्लेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं द डॉग वॉज हिट डैश द बॉय डैश अ स्टिक, द डॉग वॉज हिट बाय द बॉय विथ अ स्टिक, देखिए विथ स्टिक, स्टिक क्या है, कोई भी औजार आ जाए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाए उसके पहले प्रीपोजिशन विथ आता है, तो द डॉग वॉज हिट बाई द बॉय विथ अ स्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ए नोट बुक इज मैड ऑफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैड ऑफ दिया है तो मैड ऑफ होगा, मैड ऑफ की जगह मैड ऑफ भी हो जाएगा, मैड ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है, ए नोट बुक इज मैड ऑफ पेपर्स या ए नोट बुक इज मैड ऑफ पेपर्स, मैड फ्रॉम बाई विथ ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वी इंटर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, वी इंटर्ड द रूम इसके साथ नो प्रीपोजिशन यानी डी होगा, नो प्रीपोजिशन इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो वी इंटर्ड द रूम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, ही स्कॉम्ड डैश हिज इंजुरीज, ही स्कॉम्ड 79 नंबर देखेंगे, ही स्कॉम्ड डैश हिज इंजुरी, स्कॉम के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू, ही स्कॉम्ड टू हिज इंजुरीज, सो आंसर आपका जो होगा वो होगा सी।
नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही डेड डैश क्लोरा। ये देखिए, ये तो फेमस क्वेश्चन है आपके, आपको आता ही होगा, ही डेड ऑफ क्लोरा। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज़ नो मीनिंग डैश वाट वाट यू से, देयर इज़ नो मीनिंग इन वाट यू से। सो आंसर होगा, देयर इज़ नो मीनिंग इन वाट यू से, सो आंसर डी विल बी राइट। ही वाज चार्ज स्टीलिंग अ कैमरा, ही वाज चार्ज, चार्ज के साथ भी पोजिशन आएगा विथ, ही वाज चार्ज विथ स्टीलिंग अ कैमरा। गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन आता है GUILTY, गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन आएगा ऑफ, एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन आएगा ऑफ, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन आता है विथ। अगर चार्ज नाउन की तरह, अगर चार्ज नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, अगर वर्ब की तरह यूज हो तो उसका उसके साथ प्रीपोजिशन आता है विथ। तो ही वाज चार्ज विथ स्टीलिंग अ कैमरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 83 नंबर, ही परसिस्टेड डैश देयर, ही परसिस्टेड इन गोइंग देयर। परसिस्टेड का साथ, परसिस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है इन, तो ही परसिस्टेड इन गोइंग देयर। सो आपका जो होगा आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही जम्प्ड, ये हम लोग बचपन से सुनते हैं, ही जम्प इन टू द वेल टू कमिट सुसाइड, ही जम्प द फ्रॉग जम्प इन टू द वेल, द फ्रॉग जम्प इन टू द वेल, हम लोग ये सारे सुनते आते हैं। तो ही जम्प्ड इन टू द वेल टू कमिट सुसाइड, सो आंसर होगा आपका इन टू, जम्प के साथ प्रीपोजिशन आता है इन टू। और 83 नंबर का ही परसिस्टेड इन गोइंग देयर, इसका सी हो गया, इसका भी सी हो गया। 85 का देखें, ही हैज़ अ कार डैश स्कूटर्स, ही हैज़ अ कार विथ स्कूटर, बिसाइड्स स्कूटर्स, बिसाइड स्कूटर या एंड, ही हैज़ अ कार बिसाइड्स स्कूटर, यानी उस स्कूटर के अलावा उसके पास कार भी है, सो आंसर होगा बी। ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में, के बगल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द चिल्ड्रेन वंडर डैश द गैंट, द चिल्ड्रेन वंडर, वंडर के साथ प्रीपोजिशन आता है एट, MS के साथ प्रीपोजिशन आता है एट, साउथ के साथ प्रीपोजिशन आता है एट, मॉक के साथ प्रीपोजिशन आता है एट। नेक्स्ट देखते हैं 87 का, आई कमेंस्ड वर्क डैश फर्स्ट मई, आई कमेंस्ड वर्क ऑन फर्स्ट मई, कमेंस्ड मीन्स होता है स्टार्ट करना, यानी मैं फर्स्ट मई से काम स्टार्ट किया था, सो आंसर होगा आपका बी, 87 का हो गया बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही हैज़ बीन इल डैश 5 days, ही हैज़ बीन इल फोर 5 days, सो आंसर ए विल बी राइट। ये तो टेंस का है तो हम लोग इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश इन लॉन्ग रोप, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विथ है लॉन्ग रोप। देखिए लॉन्ग रोप रस्सी है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए यहाँ का प्रीपोजिशन जो आ रहा है वो विथ आ रहा है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विथ है लॉन्ग रोप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, देखिए इसके साथ हम ऑप्शन नहीं दिए, ये पता है आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, प्रीफर हो गया, सुप्रियर हो गया, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। देखिए आपका प्रीपोजिशन समाप्त हो गया। देखिए अगर प्रीपोजिशन पार्ट वन आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन पार्ट टू है, पार्ट थ्री भी आएगा और पार्ट फोर भी आएगा। सो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये सारे प्रीपोजिशन आप याद कर लीजिए, इसमें से आपका प्रीपोजिशन पक्का श्योर है कि फिक्स है कि लड़ जाएगा। तो चलिए आपका प्रीपोजिशन हुआ समाप्त। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो अगर अपलोड करते हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।